दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, आज ये मेरा व्लॉग रहा है बागड़ा डैम का। दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई हम आपको बागड़ा डैम पे घुमाएंगे, मतलब बागड़ा डैम दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो पानी है बागड़ा डैम हमारा, वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बैक साइड में हमारा जो पानी स्टोर होता है, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में सुनहरा दृश्य है, ये देखिए। तो जहाँ तक भी आप लोगों की नज़र जाएगी वहाँ पे आपको पानी पानी दिखाई देगा, ठीक है। वो एक छोटी किस्ती भी चल रही है, लोग इसको एंजॉय भी करते हैं यहाँ पे आके एज ए टूरिस्ट पैलेस, ठीक है। मैं यहाँ पे कार रोक के पीछे ही आप लोगों को पहले इस पानी का दृश्य दिखाना चाहता था कि भाई कितना पानी हमारा स्टोर करके रखा जाता है यहाँ पे। इसमें अलग अलग तरीके से हम और भी कुछ तरीके से इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। यहीं से हमारी अलग अलग नहरें नदियाँ डिवाइड की जाती है, इस पानी को सिंचाई के लिए खेतों में यूज किया जाता है पंजाब और हरियाणा के लिए। तो दोस्तों, ये पानी स्टोर किया जाता है बैक साइड में। इसे आगे मैं दिखाऊंगा फोरहेड, जो हमारा बागड़ा डैम का फोरहेड है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि हम जो पानी स्टोर कर रहे हैं बागड़ा डैम के बैक साइड में, उसमें हम और भी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, जैसे मछली पालन भी करते हैं। जैसे इस किस्ती में लोग, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, कि किस्ती में ये दूर दूर से ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो पानी स्टोर किया जाता है बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से काम में लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, अभी तक मैंने अपना जो व्लॉग स्टार्ट किया था बागड़ा डैम का, उसमें मैंने क्या किया, बैक साइड का जो सारा वाटर स्टोर किया है वो दिखाया था। अब मैं दिखाता हूँ कि हमारा जो बागड़ा डैम का मेन पॉइंट है, मेन गेट है, वो है वहाँ पे, उसकी दूसरी साइड भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा पानी स्टोर किया हुआ है, यहीं से हम पानी को रिलीज करते हैं जो डाउनवर्ड साइड में जाता है, ठीक है। तो देखते रहे व्लॉग को लास्ट तक और बने रहे वीडियो के साथ बागड़ा डैम के बारे में जानने के लिए। जैसे कि अभी शाम का टाइम हो चुका है, मैं अपना व्लॉग बना रहा था बागड़ा डैम का। तो ये हमारा सामने है बागड़ा डैम है, ठीक है। और वहाँ पे उस ऊंचाई से हमारा पानी आता है, जो सामने जहाँ पे लाइट जग रही है वहाँ पे टर्बाइंस हैं, और उसके ही लास्ट में जो हल्का ग्रीन दिखाई दे रहा है, वो वाटर हमारा निकल रहा है टर्बाइन से टकरा के। टर्बाइन रोटेट होते हैं, तो टर्बाइन रोटेट होने के बाद हमारा अल्टरनेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होती है, हमारे हाइड्रो पावर प्लांट भी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश का ये। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प से, जो हमारा एक ग्रिड लगा हुआ है, इस ग्रिड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को, देखिए वो सामने फ्रंट में भी हमारा ग्रिड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी की को हम अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे BBMB, आप लोगों ने सुनोगा, भाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, क्या करता है वो, भाकड़ा बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है और बिजली की आपूर्ति को पूरा करता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे मेन एग्जाम्पल हम इसको दे सकते हैं बागड़ा डैम। पहाड़ों के बीच में, अच्छा ये देखिए, दो पहाड़ों के बीच में बिल्कुल अच्छे से बनाया हुआ है। और अलग इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, मैं रेफरेंस में डाल दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है, और अपने छोटे भाई को ऐसे ही प्यार देते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे।